हाँ भाई बच्चों, अपने करते हैं फोटोसिंथेसिस का पार्ट 7। अपने बात कर रहे थे लाल पतन और एमर्सन ने प्रभाव की। मैंने आपको बताया था कि जब एकवर्णी प्रकाश रश्मियों का प्रयोग करते हैं, जब एकवर्णी प्रकाश रश्मियों का प्रयोग करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आ जाती है। यानी जैसे अपने मान ले कि केवल अपने लाल प्रकाश दे रहे हैं प्लांट को केवल लाल प्रकाश दे रहे हैं, ठीक है, और इस लाल प्रकाश की एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य होती है, तो केवल लाल प्रकाश देंगे तो प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं लाल पतन, ठीक है। अब देखिए, एमर्सन प्रभाव का मतलब क्या है, जब लाल के साथ नीला प्रकाश भी देते हैं, यानी दो भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्यों वाला प्रकाश अपने प्रदान करते हैं, जो लाल प्रकाश का उसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, नीले प्रकाश की कम होती है, तो जब लाल और नीले प्रकाश को या दो भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्यों वाला प्रकाश साथ साथ अपने प्लांट को देते हैं तो प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसी को कहते हैं एमर्सन प्रभाव। ये मैंने कल आपको बताया था। अब देखिए, लाल पतन और एमर्सन प्रभाव, इसका परिणाम क्या हुआ या कौन सी बात सामने आई या इसका कंक्लूजन क्या निकला? इस प्रयोग के बाद में जो एमर्सन ने किया था और बाद में ये दो टर्म दी थी, लाल पतन और एमर्सन प्रभाव, इस एक्सपेरिमेंट के बाद में पादपों में दो वर्णक या प्रकाश तंत्रों की उपस्थिति का पता चला, ठीक। पादपों में दो वर्णक या दो प्रकाश तंत्रों, दो वर्णक तंत्रों या दो प्रकाश तंत्रों की उपस्थिति का पता चला, किस प्रयोग के आधार पर या किस एक्सपेरिमेंट के आधार पर? इस लाल पतन और एमर्सन प्रभाव, ठीक है। तो 1960 के दशक में एमर्सन प्रभाव को व्यापक मान्यता प्राप्त हुई और यह सुनिश्चित हो गया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दो प्रकाशिक अभिक्रियाओं का सहयोग आवश्यक है। यानी इस प्रयोग के आधार पर, ठीक, यह बात सामने आई कि प्रकाश संश्लेषण में दो प्रकाशिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है, ठीक, दो प्रकाशिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है, या यह भी कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दो प्रकाशिक अभिक्रियाओं का सहयोग आवश्यक है। जब दोनों प्रकाशिक अभिक्रियाएं होगी तो प्रकाश संश्लेषण की दर ज़्यादा होगी, और कोई अगर एक होगी तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम होगी। अब देखिए, प्रत्येक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रत्येक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया एक विशिष्ट वर्णक समूह से संबंधित होती है। प्रत्येक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया एक विशिष्ट वर्णक समूह से संबंधित होती है। और वर्णकों के इन समूहों को अपने क्या कहते हैं,
वर्ण के तंत्र या प्रकाश तंत्र। तो दो प्रकार की प्रकाशिका विकिरण हो रही है, तो वर्णक तंत्र भी कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे, वर्णक तंत्र फर्स्ट और वर्णक तंत्र सेकंड, या प्रकाश तंत्र फर्स्ट, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड। ठीक है, ये हो गया अपना। तो इस प्रयोग के आधार पर, यानी लाल पतन और एमर्सन प्रभाव, ठीक, जब ये सामने आया तो इस आधार पर ये पता चला कि हरित लवक में दो प्रकार के वर्णक तंत्र या प्रकाश तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, दो प्रकार के वर्णक तंत्र या प्रकाश तंत्र हरित लवक में पाए जाते हैं, और प्रत्येक वर्णक तंत्र या प्रकाश तंत्र एक विशिष्ट प्रकार की प्रकाशिका अभिक्रिया से संबंधित होता है। ठीक, तो ये अपना आ गया प्रकाश तंत्र, ठीक, फर्स्ट और सेकंड। ठीक, और प्रकाश तंत्र और फर्स्ट और सेकंड ये हरित लोक में मिलते हैं, या जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें जो प्रकाशिक प्रक्रम है उसमें दो प्रकाश तंत्र भाग लेते हैं। यह पता किस प्रयोग के बाद चला या किस आधार पर चला? लाल पतन और एमर्सन प्रभाव के बाद। ठीक, अब देखिए ये प्रकाश तंत्र फर्स्ट और सेकंड क्या है? ये वर्णकों के समूह है, वर्णकों के समूह है। इनको अपने मोटे तौर पर क्वांटोसोम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्वांटोसोम, एक ही बात है। क्वांटोसोम भी क्या था? वर्णकों का एक समूह होता है क्वांटोसोम, जिसमें कई वर्णक मिलकर एक इकाई के रूप में काम करते हैं और प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। ये काम कौन करेंगे? फर्स्ट और सेकंड, यानी ये जो प्रकाश तंत्र फर्स्ट और सेकंड है ना, एक्चुअल में क्या है? क्वांटोसोम ही है, जो अपनों ने ऑलरेडी देखा था, ये टर्म पढ़ी थी अपनों ने ऑलरेडी। अब देखिए, आपको पता है कि जो प्रकाश है उसमें अपने मानते हैं कि सात रंग होते हैं, और प्रत्येक रंग की एक विशिष्ट रंग दैर्ध्य होती है, प्रत्येक रंग की विशिष्ट तरंग दैर्ध्य होती है। ठीक, और पादपों द्वारा जो प्रकाश अवशोषित होता है सबसे ज्यादा, वो कौन है? लाल और हरा, सॉरी, लाल और नीला। हरा अवशोषित नहीं होता है, मैंने आपको बताया था, ये गलती से लिख दिया। पादपों द्वारा जो प्रकाश अवशोषित होता है सबसे ज्यादा, वो कौन है? लाल और नीला। हरा प्रकाश अवशोषित नहीं होता, यानी हरे प्रकाश का प्रकाश संश्लेषण में योगदान नहीं है, लाल और नीले प्रकाश का प्रकाश संश्लेषण में योगदान है। ठीक है, तो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उसमें सात रंग है, तो जो लाल रंग का प्रकाश है, जो नीला रंग का प्रकाश है ना, उसी का सबसे ज्यादा योगदान है प्रकाश संश्लेषण में। और लाल जो प्रकाश है, इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? उच्च होती है। छः सौ साठ एनएम से 680 एनएम, और इसके होते हैं लगभग 450 एनएम। ठीक, लाल प्रकाश जो है उसकी तरंग दैर्ध्य उच्च होती है, ये 660 एनएम से 680 एनएम, और नीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 450 एनएम के लगभग होती है। ठीक, अब देखिए, जो प्रकाश तंत्र फर्स्ट है, प्रकाश तंत्र फर्स्ट,
प्रकाश तंत्र फर्स्ट यह उच्च तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का अवशोषण करता है। उस तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का अवशोषण करता है यानी उस तरंग दैर्ध्य वाला यानी कौन सा प्रकाश है? लाल प्रकाश, ठीक। और प्रकाश तंत्र सेकंड यह किसका करेगा? निम्न तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का अवशोषण, निम्न तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का अवशोषण। ठीक है, यानी नीला प्रकाश। तो प्रकाश तंत्र फर्स्ट कब एक्टिव होता है या किसको अवशोषित करता है? लाल प्रकाश को। यानी प्रकाश तंत्र फर्स्ट लाल प्रकाश को अवशोषित करके सक्रिय होता है और प्रकाश तंत्र सेकंड नीले प्रकाश को अवशोषित करके सक्रिय होता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम तभी आएगी जब दोनों प्रकाश तंत्र सक्रिय हो। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम कब आएगी? जब दोनों प्रकाश तंत्र सक्रिय हो। और दोनों प्रकाश तंत्र सक्रिय हो इसके लिए क्या होना चाहिए? उच्च तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश भी पादप को मिलना चाहिए और निम्न तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश भी पादप को मिलना चाहिए, यानी पादप को लाल प्रकाश भी मिलना चाहिए और नीला प्रकाश भी। जब अपन केवल लाल प्रकाश देते हैं तो केवल प्रकाश तंत्र फर्स्ट ही एक्टिव होता है, सेकेंड एक्टिव नहीं होता, इसलिए प्रकाश संश्लेषण दर में कमी आ जाती है। और जब लाल के साथ नीला देते हैं तो दोनों एक्टिव हो जाते हैं, दोनों एक्टिव हो जाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण दर भी बढ़े जाएगी। तो ये हो गया अपना फोटो सिस्टम के बारे में बेसिक। अब अपने करते हैं प्रकाश तंत्र फर्स्ट। प्रकाश तंत्र फर्स्ट, देखिए मैंने आपको बता दिया था, दोबारा बता देता हूं कि यह प्रकाश तंत्र उच्च तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश विकिरणों का अवशोषण करता है। यह प्रकाश तंत्र उच्च तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश विकिरणों का अवशोषण करता है। दूसरा पॉइंट देखिए, इस तंत्र में कौन कौन से वर्णक मिलते हैं, कौन कौन सी प्रोटीन्स मिलती है या इसके घटक कौन कौन से, वो देखिए। इस तंत्र में एक तो क्लोरोफिल ए और बी मिलता है, बी क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ये दोनों मिलते हैं वर्णक, ठीक। इनके अलावा फेरिडोक्सिन, इसको आप प्रोटीन या वर्णक कह सकते हो, प्रोटीन वर्णक भी कह सकते हो, फेरिडोक्सिन और कैरोटेनोइड्स,
कैरोटेनोइड्स, प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम एफ आदि पाए जाते हैं। जो प्रकाश तंत्र फर्स्ट है ना, उसमें क्लोरोफिल ए और बी ये मिलते हैं, फेरिडोक्सिन यह भी एक प्रकार का वर्णक होता है, जिसमें आप इसको वर्णक प्रोटीन भी कह सकते हो। इसमें आयरन होती है, ठीक, इसमें क्या मिलता है, आयरन। कैरोटेनॉइड्स ये आपने पढ़े ही थे, फिर प्लास्टोसाइनिन यह नीले रंग का वर्णक होता है और इसमें क्या मिलता है, कॉपर। और साइटोक्रोम एफ यह वर्णक प्रोटीन है, या आप इसको प्रोटीन कह दो ज़्यादा बेटर रहेगा। साइटोक्रोम एफ क्या है, प्रोटीन है और इसमें भी आयरन मिलता है, ठीक। तो प्रकाश तंत्र फर्स्ट में कुछ प्रोटीन्स या वर्णक प्रोटीन्स मिलते हैं या वर्णक मिलते हैं, जिनके नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, ठीक। ये तो वर्णक ही है, क्लोरोफिल ए और बी, इसको आप वर्णक प्रोटीन कह सकते हो, जिसमें आयरन मिलता है, यहाँ पर कॉपर मिलता है साइटोक्रोम एफ में, ठीक। जो साइटोक्रोम होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉनों के वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन वाहक होते हैं। आपने ईटीएस में भी पढ़ा था साइटोक्रोम, तो यहाँ पर साइटोक्रोम एफ मिलेगा, जो कि एक प्रकार का प्रोटीन है जिसमें आयरन मिलता है, ठीक है। अब देखिए, प्रकाश तंत्र फर्स्ट को अपने रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम से, तो देखिए क्या होगा, कैसा बनेगा। ये मान लीजिए पीएस फर्स्ट है, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये है अभिक्रिया केंद्र, अभिक्रिया केंद्र। और अभिक्रिया केंद्र की भूमिका यहाँ पर कौन निभा रहा है, क्लोरोफिल ए, जिसको अपने रिप्रेजेंट करते हैं P700 से। P700 का मतलब क्या है, P700 का मतलब है कि यह क्लोरोफिल ए का विशिष्ट अणु है, जो 700 nm तरंग दैर्ध्य वाला जो प्रकाश है ना, उसका अवशोषण करता है। और इसको अपने अभिक्रिया केंद्र की भांति भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अपने अभिक्रिया केंद्र भी कहते हैं, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। और इसके पीछे कौन है, ये सहायक वर्णक। क्या है, सहायक वर्णक। तो प्रकाश तंत्र फर्स्ट में अभिक्रिया केंद्र की भूमिका कौन निभाएगा, भी P700 किसकी भूमिका निभाएगा, अभिक्रिया केंद्र। और P700 का मतलब कि यह एक्चुअल में क्लोरोफिल ए का विशिष्ट अणु है, जो 700 nm वाली प्रकाश विकिरण का अवशोषण करता है। पी का मतलब पिगमेंट। अब देखिए, अब जो P700 है, जिसको अपने अभिक्रिया केंद्र का है, वह ऊर्जा पाकर उत्तेजित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन करता है। ये मैंने आपको बताया था पहले भी कि P700, जैसे ये सन है, सूरज है, इससे प्रकाश किरणें आ रही है, सहायक वर्णक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके मुख्य वर्णक यानी अभिक्रिया केंद्र को दे देंगे, और ये खुद एनर्जी पाकर एक्साइटेड हो जाएगा ऊर्जा को शोषित करके, और इधर से ऊर्जा पाकर, और ये क्या मुक्त कर देगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देगा, ठीक। यानी P700 ऊर्जा पाकर उत्तेजित हो जाता है, उत्तेजित एक्साइटेड, और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। अब देखिए, जो PS1 है वो कहाँ पर मिलता है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, PS1 कहाँ पर मिलता है, आहितलोक में, स्ट्रोमा एंड स्ट्रोमा थाइलेकोइड्स, पूरा लिख देते हैं,
हरितलोक में स्ट्रोमा थाइलेकोइड्स एंड ग्रेना थाइलेकोइड्स, ठीक है, हरितलोक में स्ट्रोमा थाइलेकोइड्स और ग्रेना थाइलेकोइड्स पर ये मिलता है, ठीक है, यानी PS1 फोटोसिस्टम फर्स्ट स्ट्रोमा पटलिकाओं और ग्रेना पटलिकाओं की सतह पर पाया जाता है, यानी दोनों तरह की पटलिकाओं पर मिलता है PS1, ठीक है, ये हो गया। एक बात और है कि जो PS1 है ना वो सक्रिय हो रहा है, सक्रिय दोनों प्रकाश के फॉस्फोरिलीकरण में भाग लेता है, PS1 सक्रिय व अचक्रिय दोनों प्रकार के फॉस्फोरिलीकरण में भाग लेता है, ये अपने आगे देखेंगे सक्रिय और अचक्रिय फॉस्फोरिलीकरण क्या है। बस मैं बता रहा हूँ कि PS1 दोनों प्रकार के फॉस्फोरिलीकरण में भाग लेता है, दोनों प्रकार कौन से, सक्रिय और अचक्रिय। फॉस्फोरिलीकरण का मतलब है ATP का बनना, और ATP यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति में बन रही है, तो इसको अपने यह भी कहते हैं सक्रिय व अचक्रिय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, सक्रिय व अचक्रिय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, यानी प्रकाश की उपस्थिति में ATP का बनना, और वो दो तरीके से बनती है, सक्रिय और अचक्रिय, ठीक है, और PS1 दोनों में भाग लेता है, सक्रिय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण और अचक्रिय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, जो अपने आगे आएगा। अगला है अपना PS2 फोटोसिस्टम है सेकंड, फोटोसिस्टम है सेकंड, प्रकाश तंत्र है सेकंड। देखिए यह जो प्रकाश तंत्र है ना, यह निम्न तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश विकिरण का अवशोषण करता है, निम्न तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश विकिरणों का अवशोषण करता है, यानी निम्न तरंग दैर्ध्य यानी 450 NM के लगभग, ठीक, और यह तरंग दैर्ध्य किससे संबंधित है, नीले प्रकाश से, तो यह नीले प्रकाश का अवशोषण करता है PS2। और इसमें क्या क्या मिलता है, इसमें मिलता है क्लोरोफिल ए और बी, ये तो है ही है, और भी है देखेंगे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, पर्णहरित ए, पर्णहरित बी मिलता है, और क्या क्या मिलता है इसमें, कैरोटीनॉइड्स भी मिलते हैं, फाइकोबिलिन्स भी मिलते हैं, फाइकोबिलिन्स भी मिलते हैं, और प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन प्लास्टोक्विनोन यह भी एक वर्णक ही है, प्रोटीन वर्णक है, प्लास्टोक्विनोन मिलता है, इसके अलावा साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F पाए जाते हैं, साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F ये भी पाए जाते हैं। अब देखिए आगे, इस तंत्र के सभी सहायक वर्णक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर अंत में क्लोरोफिल एक विशिष्ट अणु P600C को स्थानांतरित कर देते हैं, यानी इसको अपने रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखिए,
देखिए एक बात और बता दूं मैं आपको, अपन ये भी कह सकते हैं कि जो पी एस फर्स्ट है ना वह 680 NM या इससे ऊपर, पी एस फर्स्ट 680 NM या इसे ऊपर तरंग दैर्ध्य वाला जो प्रकाश है ना उसको अवशोषित करता है, और पी एस सेकेंड 680 NM से कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश अवशोषित करता है। आप ये भी ध्यान में रखना ठीक कि पी एस फर्स्ट 680 NM या इसे अधिक या इसे ऊपर तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश अवशोषित करता है, और पी एस सेकेंड 680 NM से निम्न तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश अवशोषित करता है। ठीक, तो पी एस 680। अब देखिए पी एस सेकेंड में जो अभिक्रिया केंद्र है वो कौन है, पी 680 है अभिक्रिया केंद्र, वहाँ पर कौन सा था, पी 700। पी 680 क्या है, पी का मतलब पिगमेंट, यह क्लोरोफिल ए का एक विशिष्ट वर्णक है जो 680 NM तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश विकिरण का अवशोषण करता है, बाकी सब सेम है। ये नीचे सहायक वर्णक है, ये सहायक वर्णक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके किसे देंगे, इस मुख्य वर्णक को यानी अभिक्रिया केंद्र को, और थोड़ी बहुत ये खुद भी ऊर्जा अवशोषित करेगा और एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देगा। यानी वहाँ पर पी एस 1 में अभिक्रिया केंद्र क्या था, पी 700, और यहाँ पर कौन है, पी 680। ठीक है, अब देखिए आगे कि तो पी एस सेकेंड है ना वो हरितलवक की ग्रेना पटलिकाओं में पाया जाता है। पी एस 1 तो ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों पटलिकाओं में मिलता है, और पी एस सेकेंड ओनली ग्रेना थाइलेकोइड्स या ग्रेना पटलिकाओं पर मिलता है। ठीक है, और देखिए जो पी एस सेकेंड है इसका उपयोग केवल असक्रिय प्रकाश फोस्फोरिलीकरण में होता है। जो पी एस सेकेंड है फोटोसिस्टम है सेकेंड, फोटोसिस्टम सेकेंड का उपयोग केवल असक्रिय प्रकाश फोस्फोरिलीकरण में होता है। ठीक है, तो ये अपने हो गए थे पी एस फर्स्ट और पी एस सेकेंड। ठीक है, अब कल अपने देखेंगे पी एस फर्स्ट और पी एस सेकेंड में अंतर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल करेंगे पी एस फर्स्ट और सेकेंड में अंतर।